नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं नसीब खान आज आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मोहल्लों में। आज वो दिल्ली का दंगल है जो काफ़ी समय से जनता को इंतजार था। आज 25 मई है और आज 7 सीटों पर इलेक्शन होना है। पूरे भारत की नज़रें टिकी हैं दिल्ली पर। दिल्ली में ये है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री अब की बार, किसकी सरकार, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर पोलिंग बूथ पर पहुँचे हैं दिल्ली में और हम जानते हैं, जनता से लेते हैं जायजा कि किसको उम्मीद। हम यहाँ पहुँचे हैं और हमने यहाँ जायजा लिया। पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है और बहुत ही शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है और हम यहाँ इलेक्शन जो हो रहे हैं, वोट डालने वाले आए हुए हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं। सर, वोट डाल दिया आपने? जी बिल्कुल। क्या लगता है सर आपको, बहुत बड़ा दंगल है भारत में, पूरी नज़रें टिकी हैं दिल्ली पर, पूरे भारत की नज़रें टिकी है, 7 सीटों पर इलेक्शन है, एक तरफ तीनों है, एक तरफ बीजेपी है। देखिए, गठबंधन की सरकार है, उनका अपना अपना मुद्दे अलग हैं, लेकिन देश में अगर विकास चाहिए तो विकास पुरुष को ही चुनना चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता चाहती है और पूरे नहीं होते हैं, वादे रह जाते हैं अधूरे? वादे तो वैसे हर नेता आके करता है लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाते, लेकिन ये है कि एक सरकार ऐसी है जो वादा करती है और गारंटी देती है। क्या लगता है आपको, मोदी? देखिए, सुनना चाहते हैं जनता, बोल रही है कि अब की बार 400 पार के नारे जी आई है वोट डाल के, हम इनसे जानना चाहते हैं। माता जी, क्या लगता है आपको, अब जो अच्छा हो, कुछ ऐसे मुद्दे हो विकास के जो जनता के अधूरे रह जाते हैं, सरकार से उम्मीदें होती हैं नहीं कर पाते, तो क्या लगता है? एक तरफ तो तीनों पार्टी हैं, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी, एक तरफ बीजेपी है, क्या लगता है? अब देखो, हमारा तो, अब मैं तो पति खत्म हो गए, मेरा बेटा खत्म है, कोई सहारा नहीं मेरे लिए। वोट कर रहे हैं, पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, ये हमारा राइट्स है, अधिकार है हमारा वोट करना। और हम जानना चाहते हैं और पूछेंगे, यहाँ अपनी बारी का इंतजार में खड़े हुए, लाइन में लगे हैं और आज पूरे भारत की नज़रें दिल्ली पर टिकी हुई हैं, 7 सीटों पर वोटिंग है, जानना चाहते हैं क्या नाम है सर? सुल्तान। आज पूरे भारत की नज़रें दिल्ली पे टिकी हैं, 7 सीटों पे हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, क्या लगता है? अब वोटिंग राइट तो देखो सबका है और वोट कौन किसको देगा ये सारी एक सीक्रेट बातें होती हैं। बाकी ये है कि अब जो भी है, जैसा भी है, दोनों पार्टियां ही हैं, अब जिसको जो ठीक लगता है वो उसको वोट देगा और सबका राइट है, सबका मतदान का राइट है, हर कोई अपने हिसाब से वोट देगा। कुछ मुद्दे ऐसे हों जिसमें जनता की उम्मीदें होती हैं कि भी हमें सरकार से ये चाहिए, हम वोट कर रहे हैं, सरकार बन के आती है, जो अधूरे रह जाते हैं, वादे पूरे नहीं होते? देखो, अधूरे वादे और पूरे वादे तो कोई भी सरकार नहीं कर पाती, जैसा भी है। अब जो भी सरकार आएगी वो अपने हिसाब से करती है, जितना करती है। अब नागरिक को है, नागरिक को ये लगता है कि उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। किसकी सरकार बननी चाहिए, बदलाव होना चाहिए या जैसे चल रही है बीजेपी का है? अब बदलाव तो होना चाहिए, तो बदलाव के लिए नई सरकार आए तो ज़्यादा बेहतर है, बदलाव होना चाहिए। आप कुछ कहेंगे? कोई नहीं, क्या कहेंगे, ऐसा भी हो, बदलाव होना चाहिए। जनता का ओपिनियन है बदलाव होना चाहिए, फैले हुए पानी में तो कीचड़ भी पैदा हो जाती है, पानी चलता रहेगा तो उसमें कोई गंदगी पैदा नहीं होगी, जनता का एक मुहावरा समझ चुके हैं। और हम जगह जगह दिल्ली के हर स्कूल में और हमने हर जगह जायजा लिया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बालकृष्ण दुबे है। आज बहुत बड़ा दंगल है, लोग इसे पर्व कह रहे थे कि हम पर्व मनाएंगे। 25 बिल्कुल पर्व है और हर इंसान को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, घर से निकल के देश का एक प्रधानमंत्री चुनना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव तो प्रधानमंत्री के हैं और प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली इंसान होना चाहिए जो हर किसी को साथ लेके चले। जी, कैसे कोई ऐसे मुद्दे हों जो अधूरे रह गए हैं और हमारे दिमाग में रहते हैं कि भाई हमें सरकार से ये शिकायत हैं और कुछ बदलाव होना चाहिए? मुद्दे तो कुछ रहते भी हैं लेकिन धीरे धीरे पूरे होते हैं, बदलाव तो काफ़ी हुआ देश में, देश पहले कहाँ था आज कहाँ है, और बाकी बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी धीरे धीरे दूर होगी, सरकार की नज़र तो है इस पर, और बाकी जैसे जैसे लोग समस्या रखते हैं सरकार देखती है, ध्यान देती है। तो कौन सा चेहरा? प्रधानमंत्री जो सबको साथ लेके चले और विकास, जो विकास करे देश का। और हमारा
और कहते ना हिंदी वतन सबका मजहब और ईमान है और इससे कायम बाइबल गीता और कुरान है, तो सबको साथ लेके चलना है, सबने यही रहना है, जाना किसी ने नहीं है, लेकिन सब मिलकर एक होकर प्रधानमंत्री चुने और बिल्कुल दिमाग से काम ले। एक प्रधानमंत्री चुनना एक बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लेना पड़ता है प्रधानमंत्री का, बाकी विधानसभा निगम पार्षद ये तो भी चल जाता है। तो क्या परेशानी हुई आपको? परेशानी ये है कि आदमी जिंदा है, वोट बनी हुई है, हर साल वोट भर भर वोट देते हैं, लेकिन अब की बार वोट डिलीट कर दिए इनकी। क्यों? तो ये मैं देख रहा हूँ पर्ची भी है हाथ में बना के दे दी, हाँ जी, तो वोट लिस्ट में नाम है तभी पर्ची बनी है, पर्ची के ऊपर वोट लिस्ट में जो नाम है उसके ऊपर डिलीट लिख के स्टैंप लगाई हुई है, जिंदा पर आदमी आपके सामने। ये देखो हम आपको दिखाना चाहते हैं ये मुद्दा कि बहुत बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली के अंदर पर्ची हाथ में है, निकाल चुके हैं, निर्वाचन आयोग की ये धांधलीबाजी कि आदमी मौजूद है और कह रहे हैं कि आपकी पर्ची नहीं है, आपका वोट नहीं है। क्या लगता है आपको सर, आज आपको आप हैं और आपकी पर्ची निकाल के दे दी और उस पर लिखा हुआ है कि आप नहीं है मौजूद, डिलीट मार दिया, क्या कहेंगे आप? मैंने तो कहा भी मैं तो जिंदा हूँ, अभी आपके सामने खड़ा हूँ, मैं हर हमेशा वोट डालता हूँ, आज से मेरी उम्र 75 साल की हो गई, तो कहते ये ऊपर वालों से बात करो, हम नहीं जाएं। 75 साल की उम्र है, पहचान पत्र हाथ में है और पर्ची निकाल के बना के दे दी, लेकिन अंदर जब पहुँचे, अंदर पहुँचे तो कहा कि आपका वोट नहीं पड़ेगा, क्या है फैसला अब आपके हाथ में? देखो इंडिया न्यूज़ का मैं ड्राइवर हूँ, ये देखिए पत्रकार के ड्राइवर हैं, इंडिया न्यूज़ टीवी के ये ड्राइवर हैं, अपना आई कार्ड भी दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज़ टीवी के ड्राइवर भी हैं, आई कार्ड दिखा रहे हैं और इनके पास आधार कार्ड भी है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम आपको पहचान पत्र आधार कार्ड सारे सबूत दिखा रहे हैं और ये मौजूद हैं और निर्वाचन आयोग की एक बहुत बड़ी गलती कहोगे आप इसको, क्या कहोगे? और कहते हैं कि वोट नहीं पड़ेगा, आपका वोट नहीं है, डिलीट कर दिया गया, फैसला जनता के हाथ में। और अब की बार 400 पार का नारा हम हर किसी को सुना रहे थे अपने चैनल के माध्यम से, आज हम अभी इस समय दिल्ली में जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले हम पहुंच रहे हैं और हम जान रहे हैं जनता की ओपिनियन क्या है। अभी हम यहां पर्ची जो बना के दे रहे हैं यहां हम जानना चाहते हैं, सर क्या नाम है आपका? शशिकांत गुप्ता। क्या लगता है सर आपको, आज बहुत तगड़ा दंगल है एक तरह से, बहुत एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ तीनों पार्टियाँ हैं, इंडिया गठबंधन, आम आदमी और कांग्रेस, क्या लगता है आपको क्या होगा इसमें? नो डाउट ये अब की बार 400 बार पूरा क्लियर है, इसमें नो डाउट, और हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो आप बता सकते हैं अनुमानित कि अब तक कितने परसेंट? परसेंटेज का तो हमें नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये तो पोलिंग स्टेशन पे ही पता लगेगा, वो पर्ची का, हम तो पर्ची का, हम तो पर्ची बना के दे रहे हैं बस। और मैडम मौजूद हैं यहाँ पर, मैडम से जानना चाहते हैं, मैम आज बहुत बड़ा एक वो है, आज चुनावी दंगल है, जिस तरीके से कि आज सबकी किस्मत मशीन में कैद होने वाली है, क्या लगता है आपको? बीजेपी आई है और बीजेपी ही आएगी, हम तो यही कहेंगे और बाकी रिजल्ट बताएगा क्या होना है। विपक्ष तो बहुत सारे दावे कर रहा है, उधर पूछ रहे सब ने, विपक्ष तो बहुत दावे पहले भी करता हुआ है और अब भी करता हुआ है, मगर विपक्ष के बोलने से तो कुछ होता नहीं है ना, रिजल्ट बताएगा, बाकी हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी आए हैं और मोदी जी ही आएंगे, जय श्री राम। और मैडम मौजूद हैं, इनसे जानना चाहते हैं, मैम आप सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या लगता है आपको आज किस तरीके की खुशी में? 4 जून को भगवा होगा पूरा देश, तो इनका अपना ही खुद का पता नहीं कि हमारे क्या होने वाला है, इनके आपस में ही नहीं बन रही है, तो इसलिए जनता के दिल में एक ही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई ऐसे मुद्दे जो आने के बाद हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो कुछ ऐसे तय किए हों कि हम जनता को ये देंगे? वैसे तो हमारे जहाँ तक है सारे मुद्दे मुझे लगता है आ ही गए, जनता तो जो एक होता है कि फ्यूचर, मोदी जी फ्यूचर देख रहे हैं, वो अभी का नहीं, वो देख रहे हैं जो कल का जो भारत है वो कैसा होने वाला है, तो आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं, जो रह गए उनको पूरा करने के लिए 400 पार का जो टारगेट है हमारा वो हम लेके आ रहे हैं, ताकि जो काम बचे हुए हैं ये जो चल रहे हैं वो और अच्छी तरह चल पाए, तो हम ये जनता से अपील करते हैं कि मोदी जी को लेके आए, बहुत सारे काम हमारे हैं जो भी चल रहे हैं वो किसी कारण में रुक ना जाए, इसलिए मोदी जी को ही वोट करें, मोदी जी आएंगे 100% आएंगे, जय श्री राम, 100% मोदी जी आएंगे, अब की बार 400 पार का नारा है, क्या लगता है आपको? 100% आना ही आना है, डाउट नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में और क्यों पड़े चक्कर में, है कोई चक्कर नहीं है, इतना विकास कोई कर नहीं सकता, 70 साल में पहले प्रधानमंत्री है जो यशस्वी, ईमानदार, निर्भीक, निष्ठावान और जिनका पूरा हिंदुत्व पर पूरा भरोसा है, वो चाहते हैं कि हमारा देश है तो सब कुछ है, देश नहीं झुकने देंगे, हैं चाहे बलिदान कर देंगे लेकिन देश को नहीं झुकने देंगे, ये उनका नारा है।
हिंदुस्तान रहेगा तो हम सब रहेंगे, हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो हम क्या रहेंगे, कहाँ रहेंगे बताइए आप, कोई है कोई जवाब देने वाला बताइए आप। तो इसलिए अब की बार 400 पार और मोदी सरकार, 7 सीटें हैं दिल्ली के अंदर, 700 दिल्ली हमारी हैं, 700 भाजपा की हैं, नो डाउट, कोई शक ही नहीं है 1% भी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। हाँ, भाजपा का नारा अब की बार 400 पार, पूरी सातों की सातों लाने का अनुमान है। अब देखते हैं और जनता इसको चुन कर रखते हैं, आपको 4 दिन को पता लगता है।